नाज़रीन इकराम, अवामी टाइम्स में आपका खैर मकदम करते हैं। हम आपको बता दें कि आज इस्लाम जिम खाना मुंबई मरीन लाइंस में ऑल इंडिया उलमा बोर्ड अल्लामा बुनी नईम हसनी और मसीहाई कौम जनाब मोहम्मद अली पाटंगर साहब की सदारत में यौम तालीम के मौके पर एक सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें तालीम को किस तरह से फ़रोग दिया जाए, तालीम को किस तरह से आम की जाए, इस मामले पर चर्चा की गई और दरगाह मसाजिद और जितने भी दिगर कौमी मसाइल हैं उनको किस तरह से हल किया जाए, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड किस तरह से काम करेगी, इस पर चर्चा की गई कि अपने अपने फील्ड में नुमाया कारदगी अंजाम देने वाली अहम शख्सियात को ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की तरफ से अवार्ड से सम्मानित किया गया, उनका खैर मकदम किया गया। अवामी टाइम्स रिपोर्ट। मेरा बुलाने का आपका मकसद ये था कि एक सामने का सॉल्यूशन क्या है, मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं। आप इस तरह बिल्डर आज अपने तालीम कर मौलाना का देता है, अब एक वक्त ऐसा ले ले आप दे दो मुझे, मैं फिर वही करूंगा। आप आइए, जितना हमने जो हमें तरीका बताया है हमारी गुर्बत को खत्म करने का, अगर मुसलमान सिर्फ अमल थोड़ा कर दे, मैं आपको चैलेंज से कहता हूँ 5 साल में हमारे पास गरीब नहीं मिलेगा। और मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि आप लोग गुलमा के बगैर कुछ हिंदुस्तान में कुछ काम होगा नहीं। मैं इसलिए चाहता हूँ कि मैं आपका तो साथ दो, आप मेरा साथ। मैं इस जो पोस्ट पे पहुंची हूँ, हमारे अम्मी अब्बा की दुआ है, जैसे मैं पहुंची हूँ उनकी, मैं बहुत उनके लिए तो दुआ करती हूँ बहुत, उनके वजह से मैं यहाँ पर पहुंची हूँ। तो मैं 2-3 चीज़ें बोलना चाहूँगी, इसमें आप लोग का भी वक्त नहीं लूँगी। और अभी मैं डोंगरी में काम कर रही हूँ, डोंगरी में 80% मुस्लिम है, 20% बाकी आबादी है। वहाँ पर जो है ड्रग्स का जो है माहौल, ड्रग्स जो बच्चे लोग हैं उसका बहुत माहौल है। अभी मेरे लोग से ये बोलना चाहूँगी, आप लोग उलेमा हो, आप लोग की बात मस्जिद में जब कोई आते तो सुनते हैं, बोलते नहीं इमाम साहब ने ऐसे बोला है वैसे बोला है, सुनना पड़ता है, उनको लगता है वो सही है। तो मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगी कि आप मस्जिद में जब लोग आते हैं आप उनको बताइए सही क्या है गलत क्या है, ड्रग्स लेना कितना खतरनाक है, बॉडी को अपने खोखला कर देता है, माँ बाप बहुत परेशान हो जाते हैं, बच्चे लोग को अगर ड्रग्स नहीं मिलता तो वो अनकंट्रोल हो जाते हैं, और माँ बाप कुछ भी करके अगर उनकी हैसियत नहीं तो फिर भी वो पैसा कहाँ से भी जुटा के उनको लाके देते कि ये बच्चा मेरा मरना जाए। तो मैं आप सब लोग से मेरी दरख्वास्त है कि आप ये मस्जिदों में इसका भी जो है अगर माई के हिसाब से आप किसी एक बच्चे की स्पॉन्सरशिप कर दीजिए कि उसको स्कूल में पूरा स्पॉन्सर हम करेंगे, केजी से लेके एसएससी तक, या फिर ग्रेजुएशन के लिए एसएससी के बाद से 11th से लेके एसएससी तक ग्रेजुएशन तक उसकी जिम्मेदारी ले। मोहम्मद अली पाटंगर साहब भी मौजूद है, जिस तरह से उलमा इकराम के बारे में और मसाइल जो है मस्जिद के बैतुल माल के जरिए से जो आप जो फैसला लिए, किस तरह से काम करेंगे? देखिए, मैंने तो तकरीबन 92 से इसके लिए कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा पैसा लोग 10-15 हज़ार करोड़ मुंबई से ज़कात लीला जाता है, लेकिन आज जो है सोशली एजुकेशन बैकवर्ड इसलिए कि हमारे पैसा गलत हाथों में जाता है, गलत इस्तेमाल होता है। हम चाहते हैं कि इसको किस तरह एक जगह आ जाए और फिर सही इसका इस्तेमाल हो जाए। जिसके दिन है, जिसका योग मनाया जाता है, मैं इनके बारे में एक चीज़ आपको कहूँगा, अबुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी जेल में थे, रात तक मौलाना रात तक देर रात तक पढ़ा करते थे। तो जेल का रखवाला देखता है मौलाना शायद लाइट बंद करने भूले होंगे, वो आता है देखता है मौलाना कुछ पढ़ रहे, कल मौलाना आप सो जाओ बहुत देर हुई, उसके बाद देखता है कि घंटा और 1.5 घंटा हुआ मौलाना लाइट बंद नहीं कर रहे, शायद वो समझता है शायद लाइट बंद करने भूल गए होंगे। तो उनसे आके कहता है कि मौलाना गांधी जी सोए, मौलाना ये नेहरू जी सोए, सब सोए, आप भी सो जाओ। तो क्या कहते हैं, उनकी कौम जागे इसलिए वो सो रहे, मेरी कौम अभी सोई इसलिए मैं जाग रहा हूँ। ये उनकी, अब मुसलमानों को चाहिए कि अब बहुत हो गया सोना, अब जाग जाओ। हमारा यह हाल है, सबसे कमज़ोर जो समाज है वो आज हमारा ही समाज हो गया है। आज हम चूँकि हमने इकरा को भूल गए, इसलिए हम आदिवासी से भी खराब हो गए। तो इसलिए मुसलमानों से यही कहता हूँ कि इल्म हासिल करना
मुश्किल आज भी शुरू करें, गया वो कल आपको मिलेगा नहीं, आने वाला कल हमारे हाथ में है। हम अपना प्रोग्राम तय करें कि हम हमारे बच्चों को सिर्फ तालीम और कोई तालीम ही की तरफ। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के तालीम का जो प्रोग्राम किया गया जिसमें आपको मुस्लिम खातून के तौर पर एक आइडियल भी पेश किया गया, आपको क्या कहना चाहेंगे आप? आज मुझे जो उलेमा बोर्ड ने आज ये प्रोग्राम के लिए बुलाया उसके लिए मैं बहुत बहुत उनकी शुक्रगुजार हूँ, और मुझे कुछ बोलने का भी मौका दिया। उसमें मैंने दो तीन चीज़ें उनसे शेयर करी, जो बच्चे लोग में जो आज की जो पीढ़ी है उसमें जो ड्रग्स का जो लेने का और बेचने का जो प्रमाण बहुत बढ़ रहा है, तो मैंने उसके बारे में उनको बताया। मस्जिदों में और जहाँ भी एजुकेशन हब है यहाँ पर जो इसके अवेयरनेस बढ़ना चाहिए और इन चीज़ों से रोकना चाहिए बच्चे लोग को, जिससे बच्चे जो खोखले हो रहे और पेरेंट्स को भी तकलीफ हो रही, ये चीज़ एक बताई मैंने। और दूसरा जो है मस्जिदों के बाहर और जहाँ भी दरगाह के बाहर जो है बाकी जगह पे जो बेगर्स बैठते हैं, इससे क्राइम रेट जो बढ़ रहा है, और सही जगह पे जो ज़रूरतमंद लोग को जो पैसा पहुँचना चाहिए उन्हें पहुँच रहा है, इसलिए मैंने उनको बताया कि उसके बारे में भी ध्यान देना चाहिए। इमाम साहब लोगों ने मस्जिदों के बाहर जो है नमाज के साथ साथ इसका भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे आप लोग उलमा इकराम के बारे में जो है सैलरी बढ़ाने की बात की, क्या करना चाहिए? नहीं, उस बारे में तो मेरे ख्याल बहुत स्ट्रांग है, क्या जो मस्जिदों के इमाम है उनकी सैलरी बहुत कम है, उनको जो फैसिलिटीज रहने के लिए मिलना चाहिए वो बिल्कुल नहीं है, जिस तरह का जो माहौल मिलना चाहिए उनको नमाज पढ़ाने के लिए वो तो मिल जाता है, लेकिन उसके लिए एक हेल्दी और वेल्दी भी थोड़ा सा मिलना चाहिए, वो नहीं इमाम साहब के लिए। तो मैंने यहाँ पर बोला है, रिक्वेस्ट किया है, जैसे कोई गैजेट निकलता है वैसा एक कंपल्सरी बनाई है, और इमाम साहब की जो सैलरी है वो बढ़ना ही चाहिए और उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए उनकी फैमिली की तरफ और उनकी तरफ। जैसे मसीह मुस्लिम मोहल्लों में खास तौर से मशियात की मतलब खरीद व फरोख बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, आपके खास डोंगरी के लिए में भी काफ़ी उसमें ये काम करने की ज़रूरत है, इस बारे में क्या कहना? ये जो ड्रग्स का प्रमाण बढ़ रहा है, मैं तो हमेशा इस कोशिश में रहती हूँ केसेस करना और उनको उससे बाहर निकालना, हमेशा जब कोई इस केसेस में मिल जाता है तो मैं इसका हमेशा काउंसलिंग करती हूँ कि इससे बाहर निकलो, उनके खुद के लिए कैसे नुकसान वाला है और उनके पेरेंट्स के लिए और बाकी समाज के लिए भी, तो हम लोग का कंटिन्यूसली काम चालू ही रहता है, और मुझे बोलना है कि पब्लिक का भी इसमें जो है साथ रहेगा, तो मुझे लगता है इससे एक आज यौम तालीम था और इस ताल्लुक से यहाँ पर इस्लाम जिमखाना में एक बहुत ही कारआमद बड़ी मुनफरिद मीटिंग रखी गई जिसमें तालीम के उनवान से गुफ्तगू की गई, जिसमें बात की गई कि तालीम की क्या अहमियत है और हमारी कौम में इस तरह से बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम दें और उसकी अमली हैसियत क्या होगी और हम किस तरह से बच्चों को आगे बढ़ा सकें, इस ताल्लुक से बड़ी उम्दा और बड़ी कारामद गुफ्तगू रही, तो हमें बड़ी खुशी है। दो राय नहीं है कि आइम्मा इकराम की तनख्वाहें बहुत कम हैं और ये एक बड़ा मसला है, लेकिन इस मसले का हल इतना आसान नहीं है, इस मसले के हल के लिए पूरी कौम को एकजुट होकर बैठना होगा, ये सिर्फ आप दो चार ट्रस्टियों से कहकर या जो किसी को जिम्मेदार बनाकर नहीं काम चला सकते, ज़रूरत इस बात की है कि हम सब हर जगह की मस्जिद के लोग और मुसलियान सब बैठे और बैठ करके इस पर गौर करें और आइम्मा की तनख्वाहों के ताल्लुक से किस तरह से हम जो है उसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर आइम्मा की एक तरफ तो हम चाहते हैं कि अइम्मा की तनख्वाहें कम है देते हैं, दूसरी तरफ हम चाहते हैं कि अइम्मा वो रोल अदा करें जो एक इमाम को अदा करना चाहिए, पहले उनकी माशियात को दुरुस्त होना चाहिए, उनके माली हालात दुरुस्त हों, फिर उसके बाद हम उनसे उम्मीद कर सकते हैं किसी किस्म का वो ऐसा काम ना करे जो मतलब इनका एक बाई से दया हो या कुछ भी हो। उलमा बोर्ड की तरफ से एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम और जो है बहुत ही बेहतरीन इमामुल हिंद हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह के उनवान से यौम तालीम के उनवान पर यहाँ जो है सारे हजरात को जमा किया गया। मैं भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद से तेलंगाना से यहाँ हाजिर हुआ हूँ इसी ज़िमन में कि यौम तालीम के उनवान से पूरे बल्कि मुंबई नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर भारत के अंदर तालीम को जो है आम किया जाए बच्चे बच्चे। देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि बहुत अच्छी मुहिम चली है ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की कि हम लोगों ने ऐसा कुछ करने की कोशिश की है कि लोगों को एजुकेट किया जाए और एजुकेशन वीक जो चलने वाला है इंशाल्लाह काफ़ी लोग जुड़ जाएं इस मुहिम से और हमारे जो कम्युनिटी के लोग हैं बच्चे हैं उन सबको इस तालीम और कैसे इसको आगे बढ़ाना है कैसे हम लोगों को रहना है सोसाइटी में कैसे अपनी बुनियाद कायम करनी है
उसके बारे में जो मुहिम चली है और लोग जो भी आए यहाँ पे उलमा और सब उन्होंने जो भी बात कही है हमको उसको आगे लेके चलना है और भी है। और मैं भी उलमा बोर्ड की मुंबई प्रेसिडेंट हूँ और आज जो मौजू पर यानी यहाँ पर हम लोगों ने इकट्ठा होकर जो मुहिम बनाई और जो तबादला ख्याल किया तो इससे तो इंशाल्लाह यही उम्मीद रख रहे हैं कि हमारी बात सुनी जाए उस पर अमल किया जाए ताकि उलमा बोर्ड के बैनर तले भी काफ़ी एजुकेशन के लिए कुछ मदद मिल सके और उलमा बोर्ड को आवाम समझ सके कि उलमा बोर्ड जो है फलाह और बहबूद का ही काम करना चाहती है। जी मैं फरहाना आपा शाह की बातों से सहमत हूँ, जो इन्होंने किया उस पर रद्द अमल होना चाहिए। रही माशाल्लाह बहुत अच्छी रही क्योंकि हमारी कौम में इल्म की कमी है, एजुकेशन कम है, तो उसी बात को फोकस लेके बात की गई है और हमारी कौम में बेदारी पैदा करनी है कि इल्म पे ध्यान दे रहे हैं। मैं आज ही पोस्ट ली हूँ, मुझे यहाँ के बड़ा सुकून मिला, मुझे ऐसा लगा कि हर बंदे में एक कौन का अपना जज्बा है और इंशाल्लाह इसके जज्बे को हमको सराहना है। वैसे मैं समाजवादी की महिला प्रेसिडेंट भी हूँ लेकिन मुझे यहाँ के बड़ा मतलब अच्छा सुकून मिला। पहले ज़रा मुझे डर लगा सबके बीच में लेकिन अभी मुझे एकदम मतलब इतनी लेडीज़ों के साथ में मेरा भी एक जज्बा है अपनी कौम के लिए खिदमत खल करने का। जी मौलाना साहब, आल इंडिया उलमा बोर्ड का आज यौम तालीम के मौके पर जो सेमिनार रखा गया जिसमें अहम शख्सियात उलमा इकराम पूरे मुल्क से मुख्तलिफ हिस्सों से आए यहाँ मौजूद रहे और क्या लाहे अमल तय किया गया है और इस बारे में कुछ बताएंगे। जी ऑल इंडिया उलमा बोर्ड आज की तारीख में जो है एजुकेशन वीक जो मनाने जा रही है उसका यहाँ आगाज़ हुआ है जिसमें मुसलमानों के तमाम ही मकतबा फ़िक्र तमाम ही मसलक के लोग शरीक हुए हैं। इन्होंने अहद किया है कि हम घर घर जो है तालीम की अहमियत, तालीम की ज़रूरत, तालीम के तरीके पे हम गुफ्तगू करेंगे और जो लोग तालीम हासिल करना चाहते हैं उनको ज़रूरत पूरी नहीं होती है तो ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की जो टीम है उनकी ज़रूरत पूरी करने की भी कोशिश करेंगे। ये हमारा पैगाम सब लोगों के लिए है। इल्म इंसान को इसलिए सीखना चाहिए ताकि वो अल्लाह को पहचान सके, चाहे वो साइंस के ज़रिए हो या फिलोसॉफी के ज़रिए हो या किसी भी एतबार से हो। इल्म इंसान सीख ले उसके बाद अगर उसमें घमंड आए, तकब्बुर आए तो उसका मतलब कि उसने सही माने में इल्म नहीं सीखा। वक्ते तौर पर वो इल्म सीखने के बाद दो रोजी रोटी के लिए अपना पेट तो भर सकता है लेकिन जो बड़ी और गंदी जो चीज़ अपने जिस्म में लिए फिरता है वो उसे नहीं खत्म किया, गोया कि उसने इल्म नहीं सीखा। तो इल्म के साथ साथ इंसान को जो हदीस के मुताबिक है रसूल इल्म मारिफतुल्लाह, अल्लाह से खौफ, अल्लाह का डर भी हमारे दिलों में आना चाहिए।